डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का एक नया सेट ऑफ क्वेश्चंस आज आप देखेंगे। बीपीएससी में करंट अफेयर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम लोग इसकी तैयारी में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां से भी संभव हो सकेगा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे, ताकि इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें 28 से 29 क्वेश्चंस हम सही कर पाएं। तो इसके लिए हमें चौतरफा तैयारी करनी होगी, सेट बनाना होगा, मैगजीन्स देखने होंगे, यूट्यूब पे आपको लगातार विजिट करते रहना होगा, साथ ही आपको लगातार रिवाइज भी करते रहना होगा, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कम से कम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग इस नए सेट को आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसका हेडलाइन होगा करंट एक्सप्रेस। चूँकि 10 मिनट में 15 टॉप के क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कल का जो 75th एपिसोड था, उसमें जो 30 क्वेश्चंस थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो था उसमें भूल सुधार कर लेते हैं। दरअसल उसका आंसर लोकसभा नहीं होगा, संसद होगा। वित्त विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, इसका आंसर हम लोग दरअसल संसद नोट डाउन कर लें, जिसका आंसर दिया गया था लोकसभा। इसमें कहने को बहुत कुछ है, नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि फाइनेंस बिल और मनी बिल का डिफरेंस क्या है। चलिए आज के इस 30 क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से और कैसे कितने महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चौथा ब्रिक्स युवा सम्मेलन 2018 में कहां संपन्न हुआ, यानी फोर्थ ब्रिक्स यूथ कॉन्फ्रेंस। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के जैसे 5 देशों का यह संगठन है, तो ये यूथ कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 5 विश्व के उभरते हुए देशों का संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसका समिट लेवल कॉन्फ्रेंस 2018 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और वहीं यूथ कॉन्फ्रेंस भी हुआ। याद रखें कि ब्रिक्स का अपना वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक भी है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, और इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई में है। आज का दूसरा प्रश्न, शहरी नियोजन और विकास पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, MOU साइन किया है, टाउन प्लानिंग और डेवलपमेंट पे MOU साइन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। दरअसल शहरी क्षेत्रों में गंदगी और उसके डेवलपमेंट से संबंधित, खासकर ठोस कचरा प्रबंधन पर, ये सिंगापुर के साथ MOU साइन हुआ है। आज का तीसरा प्रश्न, समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी से हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने IPC के किस आर्टिकल को हटाने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 377। 1862 में यह अंग्रेजों के समय कानून आया था, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। अब इसे लीगल कर दिया गया है। आज का चौथा क्वेश्चन, 52वीं वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहां किया गया? शूटिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चेंगवोन, दक्षिण कोरिया। भारत इसमें मेडल टैली में 9वें पोजीशन पर रहा, जबकि टॉप पे चाइना और दूसरे पोजीशन पे रूस था। आज का पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने स्मार्ट फेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ की है, किस बॉर्डर एरिया में? स्मार्ट फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता है घेराबंदी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत पाक सीमा। दरअसल अब बॉर्डर एरियाज में कुछ ऐसे डिवाइसेस लगाए जाएंगे जो सर्विलांस, कम्युनिकेशन और डेटा स्टोरेज में बड़े महत्वपूर्ण होंगे, तो यहां पर सेंसिटिव डिवाइसेस लगाए जाएंगे। इसके लिए स्मार्ट फेंसिंग परियोजना की शुरुआत की गई है, आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। आज का छठा क्वेश्चन, 2018-19 में खर्च की सबसे बड़ी मद, लार्जेस्ट बजट एक्सपेंडिचर किस में है, सबसे बड़ा खर्च का बजट कौन सा पार्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का, टैक्सेस में राज्यों का हिस्सा, दरअसल आय का सबसे बड़ा पार्ट, लगभग 1 रुपए में 24 पैसा ये राज्यों में बट जाता है। आज का सातवां प्रश्न, विश्व के 28 देशों के मॉक ड्रिल IOWAVE 2018 जो हाल ही में संपन्न हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, यानी इसका फोकस्ड एरिया क्या था, किससे संबंधित था ये मॉक ड्रिल IOWAVE 2018? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी से सुरक्षा।
आई ओ का मतलब इंडियन ओशन, वेव यानी सुनामी में वेव उठते हैं, तो इसलिए आई ओ वेव 2018 में 28 देशों ने ये हिंद महासागर के दोनों तटों पर इसका मॉक ड्रिल किया गया ताकि सुनामी आने पर सुरक्षा के उपाय किए जा सके। आज का 8वां प्रश्न, बिम्स्टेक का 4था शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए काठमांडू, यानी बंगाल की खाड़ी के तटीय देशों का यह संगठन है जिसमें 7 देश हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के, और इसका समिट लेवल कॉन्फ्रेंस काठमांडू में हुआ, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। आज का 9वां प्रश्न, संसद ने भारतीय वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन करते हुए किसे पेड़ की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है, अब यह पेड़ नहीं हो कहलाएगा, समझ लें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बांस। दरअसल आदिवासी क्षेत्रों जंगली क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में को व्यापार में या उनके आर्थिक गतिविधियों में जो दिक्कतें आ रही थीं, क्योंकि पेड़ को काटना प्रतिबंधित है इसलिए इसे पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया है। आज का 10वां क्वेश्चन, किस राज्य ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना की शुरुआत की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्राइबल सर्किट हैज बीन इनॉग्रेटेड, कहां यह शुरुआत हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। दरअसल टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पूरे भारत में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 13 ऐसे सर्किट्स की पहचान की है जिसमें डेजर्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, नॉर्थ इंडिया सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, यहां पर छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सर्किट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ट्राइबल सर्किट 13 ऐसे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में बूडापेस्ट सम्मेलन 2018 का आयोजन कहां किया गया, किस उद्देश्य से किया गया, यह सम्मेलन का थीम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी साइबर क्राइम पर उसके सुरक्षा से संबंधित। बूडापेस्ट हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट है जहां पर साइबर सुरक्षा से संबंधित ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। आज का 12वां क्वेश्चन, नई ट्रेन श्रद्धा सेतु किसे जोड़ रही है या जोड़ेगी, ये ट्रेन चलती है किन दो स्थानों के बीच, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रामेश्वरम से अयोध्या के बीच श्रद्धा सेतु। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में न्यायमूर्ति गीता मित्तल किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट वीमेन चीफ जस्टिस, किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला नियुक्त हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी माफ करें इसका आंसर हो जाएगा बी जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यह पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। आज का 14वां प्रश्न, चमगादड़ से फैलने वाले निपाह वायरस का प्रकोप कहां देखा गया, निपाह वायरस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए केरल में। दरअसल चमगादड़ फलों को खाकर जूठा जो वो गिराते थे फल, और फिर उसे खाने वाले व्यक्ति इस वायरस से पीड़ित होकर कई सारी मौतें केरल में देखने को मिली और यह काफी चर्चा में रहा, हालांकि अब इसका प्रकोप समाप्त हो चुका है। 15वां और अंतिम प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अनुसार देश के जीडीपी की वृद्धि दर ग्रोथ रेट क्या अनुमानित है, एस्टिमेट है इसका आपको बताना है। याद रखें कि बजट पेश करने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है जो एक साल पहले का अनुमान होता है अर्थव्यवस्था का, जबकि बजट एक साल आगे का होता है, 2017 का इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.75 यानी सी आंसर इसका हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में खासकर आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.75 अनुमानित है जबकि अगले साल 18-19 के लिए 7.75 का भी अनुमान लगाया गया, तो यहाँ पे ये अब ध्यान रखेंगे। तो आज का ये 15 क्वेश्चंस का ये करंट एक्सप्रेस यहीं पर रुकेगा, इस तरह के रेगुलर करंट अफेयर्स आपको मिलते रहेंगे ताकि मैक्सिमम कलेक्शंस आपके पास हों, साथ ही आपका रिवीजन वर्क भी लगातार चलता रहे। अपना ध्यान रखें, बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके पास
आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस लेकर. टेक केयर.